ये मैंने पहली दफा जिंदगी में कहीं देखा है किसी भी मुल्क में, एक ऐसा अनोखा कानून कि आपके अपने हाथ तो रंगे हो खून से, अभी आप केसेस से अपने आप को बरी करवा रहे हैं, कहीं सिंध में करप्शन का राज और कहीं पंजाब में। शायद आने वाली नस्लें याद करेंगी कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर करप्शन करके जाते रहे। आज तक यही नहीं पता चल सका कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जिनको फारिग किया गया, यानी कि पनामा केस में, वो आखिर अपार्टमेंट्स अरबों खरबों रुपए के हैं किसके और आए कहां से। ये मैंने पहली दफा जिंदगी में कहीं देखा है किसी भी मुल्क में, एक ऐसा अनोखा कानून कि आपके अपने हाथ तो रंगे हो खून से और आपके अपना दामन तो हो जिसपे 1000 सवाल उठाया जा सकता हो, अभी आप केसेस से अपने आप को बरी करवा रहे हैं, आपके अपने अकाउंट से बरी मिले हजारों अरबों खरबों रुपए, कहीं सिंध में करप्शन का राज और कहीं पंजाब में। बेतहाशा ऐसे केसेस गिनवा सकती हूँ इस कौम को जिनका ना कभी कोई एहतसाब हुआ और ना उनके हवाले से कभी कोई एहतसाब होने का मुझे लगता है कि कोई इंडिकेशन भी होगी, या शायद आने वाली नस्लें याद करेंगी कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर करप्शन करके जाते रहे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आज तक यही नहीं पता चल सका कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जिनको फारिग किया गया, यानी कि पनामा केस में, वो आखिर अपार्टमेंट्स अरबों खरबों रुपए के हैं किसके और आए कहां से। लेकिन बहरहाल ये अब माजी के किस्से हो गए हैं। हाल का किस्सा ये है कि ये नई पॉलिसी है कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े पॉपुलर लीडर को किस तरह दीवार से लगाना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक ऐसा फैसला करवाया गया, या उन्होंने खुद किया, अल्लाह बेहतर जानता है, जब मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब इल्ज़ाम ये है कि जी तोशा खाना में तोहफे मिले और तोहफे खरीद कर बेच दिए गए, यानी कि चोरी कर नहीं, डाका मार के नहीं, कानून तब्दील करवा कर नहीं, गाड़ियों की तरह नहीं, सैलाब में यूसुफ रजा गिलानी को मिलने वाला फ्रांस का वो हार गायब हो गया, आज तक ना पता चला किसके घर गया और कौन ले गया। यहाँ अरबों का माल खरबों का माल लूट लिया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऊपर से 100 दहशतगर्द यानी के फौजदारी मुकदमे बनाने का एक नया प्लान, ऊपर से मोहसिन रांझा साहब की धमकियां जो आपने अभी सुन ली होंगी। बहरहाल इमरान खान साहब को आपने नाहेल कराया। इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन है या नहीं इस पर बात करेंगे, लेकिन अब मामला बहुत दूर तक निकल गए हैं। आप अपने तई कोशिश कर लें, वो अपने तई कोशिश करेंगे और अब सिर्फ सियासत होगी, सियासत का मैदान गर्म होगा। आपने ये देख लिया कि खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बता दिया कि अब मुझे इलेक्शंस की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, इसलिए कॉल होगी और कॉल होगी या जुमेरात की शब या जुम्मे की शब, फिर पता चल जाएगा पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान से जब आवाम निकलेगी, सिंध से भी, तो फिर 20 किलोमीटर में बची हुकूमत रहती है या जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया, 65% सार्फीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।